तो अब हम इनसे पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, थोड़ा पंच और अच्छा लग रहा है। फैट की नहीं पूछ रहे, अपनी बात पूछ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है बाबू का 27 और हम खाने का कर रहे हैं तैयारी। तो आप लोग से दिखा रहे हैं खाने में क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम गोभी कटिंग कर लिए हैं। ये है शिमला हरी मिर्च, ये लाल मिर्च शिमला, और ये गाजर है, और ये आलू, ये प्याज, ये टमाटर, मिक्स वेज बन रहा है। और सारी सब्जी इतना हम काट के बालकनी से ला लिए हैं सब्जियाँ, क्योंकि किचन में इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि किचन फैल जाता है ना, तो किचन में हम नहीं काटे हैं सब्जी, और बालकनी से काट काट यहाँ ला रहे हैं। तो चलते हैं, और सब्जियाँ सब बालकनी में है तो देखते हैं, लाते हैं किचन में। तो यहाँ पे ये बीन्स कट चुका है, मौसी लहसुन छिल रही हैं, और ये पानी उधर सब सामान फैला हुआ है। तो ये रहा बालकनी का हाल। अब चलते हैं हम किचन में सब सामान लेके। और ये पूजा वाला सब सामान निकला चुका है, सब कट रहा है, जिसमें प्रसाद रखने वाले, इसको चलते हैं हम धोने। और ये इनका देखो नौटंकी स्टार्ट है इनके बाबू के साथ। तो हम पानी ला लिए हैं, किचन में जगह नहीं, इतने सामान भर चुका है। अब यहीं पे हम इसको धोएंगे और यहीं सूखने के लिए रखेंगे, इसमें प्रसाद रखाएगा। तो सामान ला चुके हैं, अब इसको धो लेते हैं। खाली पानी में डाल डाल के इसको निकाल लो, सब साफ। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स आ गए हैं। ये रहा क्या बोलते हैं इसको, पानी फल, हम लोग साइड सिंघाड़ा बोलते हैं। और ये रहा मौसमी, ये अंगूर, इधर भी सिंघाड़ा है, पानी फल वही, ये अनार, ये एप्पल। तब इसको चलते हैं, सबको धो लेते हैं, फिर सबको सजा देते हैं पूजा के लिए। और ये रहा बाबू मेरा, ओह कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, काम हो रहा है, हेल्प करो। अच्छा इससे बातें कर रहे हो? हाँ ठीक है, बातें कर लो। हाँ हम लोग बिजी हैं अभी। तो अब हम जा रहे हैं बनाने चूरन। हम कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और यहाँ पे शुद्ध घी आ गया है गाय का। और ये रहा आटा मेरा चूरन वाला, अब इसको हम भूजेंगे इसमें, फिर प्रसाद तैयार करेंगे। तो मेरा यहाँ पे चूरन हो रहा है तैयार। चूरन बनाने के बाद हमको फिर धनिया वाला चूरन बनाना है। तो ये प्रसाद हो चुका है तैयार चूरन, अब बनाएंगे हम धनिया वाला चूरन। और ये है धनिया का 2 पैकेट। अब इसको हम घी में फिर से दोबारा से भूजेंगे, फिर इसका हम प्रसाद बनाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से भून दिए हैं, इसमें चीनी भी मिला दिए हैं। अब इस थाली में निकालेंगे और इसको हॉल में लेके चलेंगे, जहाँ सारा प्रसाद रखे हैं वहीं पर इसको रखाएंगे, फिर हम बनाएंगे मिक्स वेज। तो अभी हम इतने सारे प्रसादी का तैयारी कर चुके हैं, सारे फ्रूट्स हम धो लिए हैं, और ये चूरन भी तैयार हो चुका है, और हॉल हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से साफ, इस पर बेडशीट भी नया लग चुका है, हो गया। और अब मेरे घर आ गई सब नई नई मछलियाँ, क्योंकि जो पिछली वाली थी ना, पिछली वाली सारी मर चुकी है, दवा खराब था। तो अभी दूसरी मछली आ चुकी है दोबारा से, नहीं दोबारा से, हाँ। तो मेरा बाबू है पूरे गुस्से में, बाबू कम नई नई करनी है। बनाने आ गए हैं, एक इधर कढ़ाई रख दिए हैं, एक इधर कढ़ाई रख दिए हैं। मिक्स वेज ही 2 जगह बनेगा, क्योंकि सब्जी ज़्यादा है तो एक कढ़ाई में नहीं आ पाएगा। तो हम चलते हैं दोनों कढ़ाई में सब्जी बनाने, देखते हैं किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सब्जी बनना स्टार्ट हो गया है, इसमें प्याज डाल दिए हैं दोनों कढ़ाई में, और प्याज को भून रहे हैं। अब इसमें हम इसमें डाल दिए हैं लहसुन भी डाले हैं, और ये मिर्च और जीरा का तड़का लगाए हैं तेजपात का, और ये प्याज भुना रहा है। अब भुनने के बाद डालेंगे हम ये शिमला मिर्च। क्या लेंगे क्या? हाँ अभी नहीं। तो
सुबह ही अभी यहाँ पे हवन होगा और ये चारों तरफ से बेडशीट बिछा दी है लोगों के बैठने के लिए और ये सारा फल फ्रूट है और ये प्रसाद भी सारा रेडी हो गया है। ये फूल पत्ते सब तैयार, इसको चादर और सही कर देते हैं और अभी चलते हैं किचन में। तो ये रही ब्यूटी गाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल। ये देखिए अभी ये सब वो भी सब डलेगा, अभी भी डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, ये मशरूम डलेगा। अच्छा इसमें दो कढ़ाई बना रहे हैं, ज़्यादा है तो कढ़ाई छोटी नहीं पड़ जाएगी? नहीं छोटा नहीं हो जाएगी, वो सब डलेगा ना ये। अच्छा तो भाई अभी सब्जी बन रही है तो अब तक मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारी सब्जियाँ डाल चुकी हूँ और इसमें भी, और यहाँ पे बना रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे, अभी नमक भी इसमें नहीं डाले हैं ना, मसाला कोई डाले हैं, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद नमक और हल्दी जो भी मसाला है सब डालेंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो रही है तैयार, कलरफुल सब्जी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध गर्म कर लिए क्योंकि और दूध का खीर बन चुका है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने लिए कॉफ़ी, तो फिर एनर्जी के साथ काम कर सकें। तो कॉफ़ी मेरा तैयार है, अब सब्जी को गैस बंद करेंगे, सब्जी भी तैयार हो चुका है और हम चलेंगे कॉफ़ी पीने। पूजा स्टार्ट हो चुका है, भैया काथा पे बैठ चुके हैं और जो 27 वाला पूजा होगा ना हम उसमें जाएंगे, क्योंकि अभी हम मेरा किचन में काम है तो इधर का हम काम फिनिश करते हैं फिर चलते हैं हम रेडी होने, फिर बैठेंगे 27 का। तो आप लोग बताइएगा मेरा सब्जी कैसा लगा, आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, देखने से बता दीजिएगा लोग कमेंट में ज़रूर, अच्छा लगेगा। तो मैं पूजा के लिए हो रही हूँ तैयार, पूजा में जाएंगे ना तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, घर की बहू है ना तो हमको इज्जत से वहाँ बैठना पड़ेगा। तो फिर पूजा से आके आप लोग से मिलेंगे, हम रेडी हो रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हो चुके हैं हम रेडी और ये मौसी की लड़की हैं, वो भी आई हैं, बाबू खिला रही हैं। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हम कैसे लग रहे हैं। और वो रही मेरी जेठानी जी, वो भी रेडी हो गई हैं, भाभी आज पूजा में बैठने वाली है ना इसलिए वो हार मांगटी का सब पहन के रेडी हुई हैं, कुछ गुस्सा देख रही हैं। अच्छा नींद में है भाभी, हाँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और भाभी को भी बताइएगा देवरानी जेठानी की जोड़ी कैसी लगी। और अब हम जा रहे हैं पूजा में, पूजा में आके आप लोगों से हम फिर दोबारा से मिलेंगे। और मेरा कल्लू किधर है? इधर कल्लू बैठा है, कल्लू की बीवी और बाबू का गुदरी है जिस बाबू लड़ता है, बाबू का तकिया है, और इधर बाबू खेल रहा है मेरा। बाबू हॉल में नहीं जा सकते क्योंकि बाबू के पापा हॉल में है, तो अब हम जा रहे हैं हॉल में पूजा में बैठने, अब आएंगे तो फिर आप लोग से मिलेंगे। तो बाहर चल रही है पूजा, आप लोग का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। और इनको देखिए, इनकी घर की पूजा है, किसी को लग रहा है ये डांट सुनेंगे आज बढ़िया से। इनकी नौटंकी कभी बंद नहीं होती, कुछ भी हो ना घर में इनका बैट बॉल हाथी में रहता है, घर की सफाई है कुछ भी। अल्लाह अच्छा, कल संडे, कल तो इनका हम सैटरडे है। अरे भाई इनको क्यों बता दें, भूल जाते, मजा आ जाता मेरे को। अरे याद नहीं दिलाना चाहिए था, भाभी इतने खुश होते कल मैच खेलने नहीं जाते हैं। तो हम चलते हैं पूजा में, इनके चलते हम रुक गए, आ गए। तो अब इनसे हम पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फैट की नहीं पूछ रहे, अपनी बात पूछ रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो लग रही है, अच्छे बहुत अच्छी हो। नहीं नौटंकी करके बोल रहे हैं, बिना देखे लगे हैं तो बैठ खेलने में। तब चलते हैं हम पूजा में, पंच अच्छा है इसका, कश्मीरी बिल्लू इसलिए ना फटी है, कश्मीरी बिल्लू आपकी। ॐ माजनेयजमय जलन्धरी वास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नति हनाकं महिमानः स्वचन्द्रतापूर्वेशाध्याः शान्तिदेवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ माहिरण्यगर्भः समवर्तता मय चन्द्रदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सङ्गते हनाकं महिमानः स्वचन्द्रतापूर्वेशाध्याः शान्तिदेवाः प्रार्थनापूर्वकं
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम उर्वस्वः गणेशंबिकाभ्यां नमः ब्रह्मरुणाय नमः। ओम मा सिन्धोरिव गर्भणि सुघनासो बात प्रमियः पतयन्ति च वाह घृतेश्यधारा अरूपो नवाजी काष्ठाविन्दन्नोर्मिन्दमानः सिन्द्रं सौवनं रक्तं सौभाग्यं सुभद्रं सुमदन्तामदं चैव सिन्दूरामतिगिरं मजद्मुरुखेणाहमिखा देवार्दमतन्मतं वसन्तो शासिद्धा चन्द्रेक्ष्मैद्मः सरधविः सुता साधुं नवनिधाय स्त्रीः शतशमितः। अब दे दीजिए ले जाएंगे। हाँ, ले जाओ ले जाओ। मालिकेन मानयति कश्चन श्वासस्य स्वगः श्वद्रिगां गाम्भीरवासिनीं अम्बिकायै नमः स्वाहा। ओम मातृत्वाजामि ब्रह्मा बंदमान सदा सासे जमानो हरि हरि जमानो रोकिका रोके हे अमान भूलाय नमः स्वाहा। ओम माया कृष्ण हिरण्यन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्तः। ओम सूर्यादि नवग्रह प्रदास्तिवदाभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय। मैं बना रही पूरी, पूजा हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा हो गया है और हम आ गए किचन में। एक भर के पूरी बनाए थे जो सारा खत्म हो चुका है, बाहर वाले खा लिए हैं। बाहर वाले मेहमान, हाँ जो मेहमान बाहर गए थे जो वो सब खा चुके हैं। अब जो घर में है जैसे हम भैया तो भैया आ गए थे तो वीडियो हो गया वहीं पर बंद, मगर फिर से स्टार्ट करें मेरा वीडियो तो हम पुड़िया फिर से थक गए और खाने के लोग सबसे खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, तो प्रसाद तक नहीं खाया अभी तक, प्रसाद नहीं फिर रख दिए क्योंकि बड़ी मम्मी बड़े पापा जाने वाले हैं ना जल्दी जल्दी दीदी सब, क्योंकि ग्रहण लग रहा है इसलिए उससे पहले तो चले जाना है। तो हम वीडियो दिखा रहे हैं, अब जल्दी से पूड़ी बना लें फिर भोग लगाएं अपना। हम बहुत तेज भूख लगी है। और मेरी सब्जी की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई मिक्स वेज का। तो हम अब आ गए हैं खाने, सारा काम जो है ख़त्म, किचन पूरा बर्तन सामान फैला हुआ है, खाएंगे आराम करेंगे तब किचन साफ करेंगे। और कौन सा ग्रहण लग रहा है बताएंगे? चंद्रग्रहण लग रहा है, सूत्र ग्रहण दुका बोल रहे हैं। कुछ ग्रहण लग रहा है ना, तो बस 10 मिनट टाइम है खाना खाने, 10 मिनट के अंदर हम पूरा फिनिश कर देना हम लोग खाना, जल्दी जल्दी खाते हैं। इधर बाबू साहब को भी खिलाना है, इनको भी पूरी रात खाना नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग कल खाना खाएंगे, अभी घंटा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।